सुन पा रहे हो तो एक बार मेरे को थम्स अप कर दो। स्टार्ट करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 के टॉप नॉच कॉलेजेस के साथ। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहली बार यूट्यूब पे 2022 की रैंकिंग्स आपके पास आएंगी। जो भी फन हमने किया ठीक है यार भाई, सुन पा रहे हो थम्स अप एक बार मेरे को जरूर कर देना सारे, जो भी लाइट मूड करने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादा जज मत करना यार, क्योंकि ये जजमेंटल सोसाइटी है हमारी, जज बड़ी जल्दी करने लग जाती है। घबराओ मत, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा। अगर तुम्हें नहीं पता किसी चीज के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो तुम्हारा भाई हमेशा यहाँ पे बैठा है। सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि इस सेशन के अंदर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस कॉलेजेस मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे टॉप नॉच कॉलेजेस कौन से कैंपस के होते हैं जल्दी से बता दो। मैं आप सबके चार्ज पढ़ पा रहा हूँ, अनुष्का, हर्ष, पायल, आयुष, नेहल, आयुषी, अबू सयम, ममिता, अनिमेश, कुणाल सोनी, यशराज ठाकुर, अभिषेक कश्यप, सबके चार्ज पढ़ पा रहा हूँ भाई। 1000 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड अस। सेशन को लाइक जल्दी से जिसने नहीं किया करो, क्योंकि ये सेशन को लाइक करके आपके पास और ऐसे यूट्यूब वीडियोज आने लग जाएंगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगी। मेरा चैनल भी करता है और भी चैनल्स करेंगे। मैं आपको हाई क्वालिटी कॉन्टेंट देके ये प्रूफ कर देना चाहता हूँ, आपकी कोई भी परसेंटाइल हो, ध्यान से समझना, आपकी कोई भी परसेंटाइल हो, आपका नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस कॉलेजेस में कन्फर्म्ड है। मैं आपको बता देता हूँ रैंकिंग के परस्पेक्टिव से, नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस नंबर वन पे आते हैं, उसके बाद साउथ कैंपस कॉलेजेस, उसके बाद ऑफ कैंपस कॉलेजेस। जितने भी BHU GNU की काउंसलिंग है वो हम तब करेंगे जब उनके बारे में कोई नोटिफिकेशन आएगा। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, वो बोलते हैं सर BHU की काउंसलिंग के बारे में कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहे। जब अपडेट आएगी तब दूंगा ना यार। आ ही सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में अपडेट है। अपना ड्रीम कॉलेज एक बार मेरे को कमेंट करके लिख देना, ड्रीम कॉलेज एक बार मेरे को कमेंट करके सारे लिख देना। आज मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करने जा रहा हूं। आज मैं आपके साथ देखो यार, सारे अपना क्वेरीज कमेंट्स अगर आपके सॉल्व नहीं हो पा रही कमेंट करके बताओ, मैं सबसे पहले वीडियो लेके आऊंगा। कल तक मेरे को सबने कहा सर प्रेफरेंस लेके आओ, प्रेफरेंस शीट लेके आओ। आप कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो, कौन सा ड्रीम कॉलेज है आपका, उस सबके बारे में एक बार मेरे को बताओ। और मैं आपको अभी एक लिस्ट जो शेयर करूंगा वो प्रेफरेंस शीट से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए नॉर्थ कैंपस में कौन से कॉलेजेस लाए करते हैं, साउथ कैंपस में कौन से कॉलेजेस लाए करते हैं, ऑफ कैंपस में कौन से कॉलेजेस लाए करते हैं। हर एक कैंपस के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस लाए करते हैं उनकी वेबसाइट पे जाना आपका खुद की जिम्मेदारी है। किसी भी रैंडम यूट्यूबर, मैं ऑनेस्टली तुम्हें बता रहा हूं, और प्लीज यार इस बात को सीरियसली लेना, दिल पे जो ले रहा है वो लेता रहे और बुरा मानता रहे, मैं आपको बता रहा हूं ना, कोई भी प्रेफरेंस शीट लेके आए, जो मैं आपको प्रेफरेंस शीट दूंगा उसको फॉलो करना, आपका बहुत भला होने वाला है। जिस तरह से मैं कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन हर एक स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, एक जेनरिक वीडियोस भी आएंगी, स्पेसिफिक केस सिनेरियोस भी हम लेंगे हर एक स्टूडेंट के लिए, क्या कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बट आपकी खुद की भी एक होमवर्क बनता है। खुद का क्या होमवर्क है, यू विल हैव टू स्टेप इन एंड रिसर्च ऑन योर ओन किस कॉलेज की क्या वेबसाइट है कौन, क्योंकि देखो अब जब सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, अच्छी बात है अगर आप किसी कॉलेज को विजिट कर पा रहे हो, उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। बट उसकी कॉलेज वेबसाइट पे जाके आपकी उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट मिलती है, NIRF रैंकिंग क्या थी, उस कॉलेज ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स में किस डोमेन में वो कॉलेज माना जाता है। अब मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम रामजस कॉलेज, आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम रामजस कॉलेज इन 2018 और तब से मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता आ रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस के रिगार्डिंग। उसके बाद आई वेंट ऑन डूइंग माई MBA एज वेल फ्रॉम MDI गुड़गांव, वन ऑफ द टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स ऑफ MBA इन इंडिया। MDI गुड़गांव से मैंने अपनी MBA इन HRM करी। उसके बाद मुझे लगा मुझे अपनी जो लाइफ है बच्चों के नाम करनी है, आप सबको गाइड करने में यहाँ पे आया हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मान लो रामजस कॉलेज है, अब रामजस कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों है, रामजस कॉलेज है भी अपना नॉर्थ कैंपस का कॉलेज। अब नॉर्थ कैंपस का कॉलेज तो है भले ही रामजस कॉलेज, बट आपको पता है अब फैक्ट की बात इतनी सी है, रामजस कॉलेज के अंदर रामजस कॉलेज इज स्पेसिफिकली नोन फॉर ह्यूमैनिटीज एंड साइंस कोर्सेज, इट इज नॉट वेरी वेल नोन फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम। अब तुम शॉक लगेगा तुम्हें सुन के, सर ये क्या बोल रहे हो, नॉर्थ कैंपस में भी ऐसी चीजें होती हैं? हाँ ऐसी चीजें होती हैं। हिंदू कॉलेज इज नोन फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड ह्यूमैनिटीज कोर्सेज, इट इज नॉट नोन फॉर साइंस कोर्सेज। हंसराज कॉलेज के अंदर बीकॉम प्रोग्राम है ही नहीं, इट इज नोन फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड साइंस कोर्सेज। हंसराज कॉलेज इज नॉट नोन फॉर ह्यूमैनिटीज कोर्सेज। तो ये पर्टिकुलर इनसाइट्स हैं। BCA अवेलेबल नहीं होती दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, BCA का एक बोल सकते हो एक्सटेंडेड रूप अवेलेबल होता है जिसको बोलते हैं BSc CS, BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। ये BCA का एक सब वेरिएंट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। BCA दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होती।
यहां पे जो मैं आपको इंसाइट्स दे रहा हूं वो YouTube पे आपको नहीं मिलेंगी। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ लाइव सेशंस के थ्रू बताऊंगा, कोई सेपरेट वीडियोस नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे मन में जो आया जा रहा है वो मैं आपको बोले जा रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं आपके चैट्स देख रहा हूँ, क्वेरीज देख रहा हूँ, मेरे अंदर जो भी भरमार बड़ा बड़ा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके पास लेके आ जाऊंगा। आपका काम है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इंडिया का बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पता लगता है कौन सी लिस्ट कब आई, काउंसलिंग पोर्टल कब ओपन होगा, मैं कब लाइव आने वाला हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं हो, हो जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। 54,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ रखे हैं, आप भी वहां पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास टेलीग्राम ग्रुप पे आती रहती हैं। बहुत जल्दी आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का CACS पोर्टल खुलने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, कुछ कुछ न्यूज मीडिया में तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त भी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक आपके पास CACS पोर्टल आपका खुल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 कैंपसेस में डिवाइडेड है। मैं आपको बोलना स्टार्ट करूं, जल्दी बोलो यस और नो, जल्दी बताओ यस और नो, रेडी रेडी रेडी, एक बार मेरे को बोलो रेडी, लिख दो सारे रेडी, रेडी लिख दो, रेडी ओपी लिख दो, सेशन को लाइक कर दो, 1000 लाइक्स अभी हो जाने चाहिए, 1000 जल्दी से जल्दी लाइक कंप्लीट करो। मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करने वाला हूं, मैं आपको समझाने वाला हूं नॉर्थ कैंपस कहाँ है, साउथ कैंपस कहाँ है, ऑफ कैंपस क्या है, और बहुत मजा आएगा आज के सेशन में, बहुत मजा आएगा। ये सेशन उनके लिए जिनका CUET खत्म हो गया है। प्लीज यार, अगर आपका CUET है इस सेशन को बाद में देख लेना, 1x स्पीड पे, 2x स्पीड पे, अभी इस सेशन को देखने की आपकी नीड, आपकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पढ़ो, तैयारी करो अपनी, सिर्फ आपको पढ़ना और तैयारी करनी है। ये देखो, अरे बहुत बढ़िया चीज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, मजा आ जाएगा, दैट इज माय प्रॉमिस। ये देखो, आपको ये दिखनी शुरू हुई, गूगल मैप्स दिखने शुरू हुई, ये सुनो जल्दी से बता दो भाई, गूगल मैप्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, जल्दी से बता दो भाइयों, ओ भाइयों, ओ मेरे भाइयों, जल्दी से बता दो, गूगल मैप्स दिख रहे हैं ना। ये देखो, यहां पे मैं टाइप कर रहा हूं नॉर्थ कैंपस, मैं आपको ज्योग्राफी थोड़ी दिखा देता हूं तो थोड़ा आपको ज्यादा एनालाइज होगा। नॉर्थ कैंपस न्यू दिल्ली, तो ये जितना भी आपको ये देखो आपको दिखना शुरू हो गया होगा, इसको मैं साइड करता हूं। ये देखो, ये जितना भी आपको दिखना शुरू हुआ है किरोड़ीमल कॉलेज, ये राजी किरोड़ीमल कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज के बैक साइड में मैकडॉनल्ड्स है, दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, एक बार मेरे को बता दो भाई, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कोई, यस और नो, दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यस दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैं ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, पहली बात तो तुम बोलोगे सर नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस डिवाइडेड कैसे हैं, तो नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस घबराओ मत, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस सिर्फ ज्योग्राफिकली डिवाइडेड है। ज्योग्राफिकली डिवाइडेड मतलब ज्योग्राफी उनकी कुछ इस प्रकार से बन रखी है कि नॉर्थ कैंपस, ये देखो जो तुम्हें रेड लाइन दिख रही है ना, ये सारा नॉर्थ कैंपस है, ये जो तुम्हें रेड लाइन दिख रही है, ये पूरा का पूरा रेड लाइन दिख रही है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ कैंपस है। इसके अंदर देखो हिंदू कॉलेज हो गया, किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, अब तुम बोलोगे सर किरोड़ीमल कॉलेज तो इस रेड लाइन से बाहर आ रहा है, अरे वो बोलने की बात है, लाइव वो करता है नॉर्थ कैंपस के अंदर ही इंस्टीट्यूट, ये तो ज्योग्राफी के हिसाब से इन्होंने एक एरिया बाउंड कर दिया। देखो जैसे यहाँ पे रामजस कॉलेज, रामजस कॉलेज की बैक साइड शेयर होती है किरोड़ीमल कॉलेज के साथ, ये देखो इस प्रकार से तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। सिमिलरली हिंदू कॉलेज कनेक्ट होता है किरोड़ीमल कॉलेज के साथ, यहाँ पे एक रोड जा रही है, देखो ऐसे रोड जा रही है, ये सेंट्रल रोड होगी, ये सुधीर बोस मार्ग हो गया, यहाँ पे कैंपस CLC है, नंदनी मैम यहाँ पे पढ़ती है कैंपस लॉ सेंटर में, मेरा कॉलेज ये रहा रामजस कॉलेज, और यहाँ पे किरोड़ीमल है, यहाँ हिंदू कॉलेज है, यहाँ सेंट स्टीफन्स कॉलेज है। जब तुम जाओगे तब अलग ही मजे आएंगे, बट मेरा काम है तुम्हें यहाँ पे बताना कि कैंपसेस कैसे डिवाइडेड है। ये दौलतराम कॉलेज हो गया, ये SRCC हो गया, थोड़ा सा जूम करता हूँ, दौलतराम के थोड़ा सा ही आगे हम जाएंगे, थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो देखो पटेल चस से पहले ये SGDB खालसा, ये SGDB खालसा कॉलेज हो गया, गुरुद्वारा भी है इसके अंदर, SGDB खालसा सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है, काफी रेनाउंड है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, SRCC दिखाता हूँ, देखो यार SRCC प्लेग्राउंड, ये दिख रहा तुम्हें, ये रहा SRCC स्टैचू लॉन्स, ये इसको मैं जूम कर जा रहा हूं तो तुम्हें दिखना शुरू हो गया होगा, ये SRCC है, पूरा पूरा कॉलेज SRCC है। इसको बोलते हैं श्री गुरु तेग बहादुर रोड बोलते हैं इसको, ये पटेल चस की एक रोड है, यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, पटेल चस लाइब्रेरी है, ये रहा मिरांडा हाउस, ये चलते चलते लास्ट कॉलेज यहाँ पे SGDB खास आता है, उसके बाद नॉर्थ कैंपस खत्म। तो ये सारे के सारे कॉलेज आपको नॉर्थ कैंपस में दिखने वाले हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होते हैं, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, फैकल्टी ऑफ लॉ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नहीं होती, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे होती है। तो ये नॉर्थ कैंपस का पूरा सिनेरियो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, जैसे एक बार अपने को रामजस कॉलेज चलते हैं, जैसे ही रामजस कॉलेज चलेंगे तुम देखोगे यहाँ पे रामजस कॉलेज में हो आया, अब रामजस कॉलेज दिख गया तुम्हें। ये सेम चीज तुम भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कोई भी कॉलेज तुम एक बार सर्च करो उसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे देखो रामजस कॉलेज में मैं टिक किया, अब रामजस कॉलेज आ गया मैं, अब रामजस कॉलेज में, रामजस कॉलेज में यार इसमें एक व्यू करके होता है, गूगल अर्थ करके होता है, ठीक है ठीक है। अब आई एम श्योर तुम्हें साउथ कैंपस यहाँ पे दिखना शुरू हो गया होगा। साउथ कैंपस कहाँ लाया करता है? साउथ दिल्ली के अंदर लाया करता है। साउथ कैंपस कहाँ लाया करता है? साउथ दिल्ली के अंदर लाया करता है।
ये देखो ये रहा साउथ कैंपस, इसमें भी कई सारे कॉलेजेस आपको दिख जाएंगे। जैसे एक कॉलेज है मोतीलाल नेहरू कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, फिर एक कॉलेज है आर्यभट्टा कॉलेज। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साउथ है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा जूम इन करोगे, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स साउथ कैंपस भी है यहाँ पे। जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स नॉर्थ कैंपस है ना, वैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स साउथ कैंपस भी है, ये पीजी प्रोग्राम्स के लिए। फिर श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, आर्यभट्टा कॉलेज, यहाँ पे और थोड़ा जूम करोगे तो और कॉलेज के नाम तुम्हें देखने लग जाएंगे। फिर यहाँ पे मोतीलाल नेहरू हो गया, रामलाल आनंद कॉलेज लाया करता है साउथ कैंपस के अंदर, आर्यभट्टा कॉलेज लाया करता है, और भी कुछ कॉलेजेस हैं जैसे श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज लाया करता है, यहाँ पे एक बार दिख नहीं रहा पर दिखना शुरू हो जाएगा। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज साउथ कैंपस में भी लाया करता है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ऑफ कैंप नॉर्थ कैंपस में भी है, साउथ कैंपस में भी है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए होता है। तो ये पूरा देखो सत्य निकेतन मार्केट तुम देखने, ये पूरा सत्य निकेतन मार्केट सारे का सारा साउथ कैंपस है। तो एक कैंपस है साउथ कैंपस, एक कैंपस है ऑफ कैंपस, बट ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर कॉलेज, डॉक्टर बी आर अंबेडकर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है, वो कहीं और ही लाया करता है। जैसे वो कहाँ लाया करता है, वो लाया करता है आपका कश्मीरी गेट के पास, रेड लाइन के पास लाया करता है। देखो कश्मीरी गेट के पास लाया करता है। अब इस कॉलेज को तुम कहाँ बाइफरकेट करोगे, इस कॉलेज को तुम कहाँ डालोगे, ये कहाँ कश्मीरी गेट में लाया करते, तो ये ऑफ कैंपस कॉलेज है। सिमिलरली कॉलेज है सत्यवती कॉलेज, सत्यवती कॉलेज को तुम कहाँ डालोगे, सत्यवती कॉलेज अगेन इट्स एन ऑफ कैंपस कॉलेज। ये लाया करता है अशोक विहार, नॉर्थ कैंपस के पास एक जगह है अशोक विहार, वहां पे बहुत बढ़िया फूड, मतलब नॉर्थ कैंपस के जितने बच्चे हैं वो सारे आते हैं सत्यवती कॉलेज के पास अशोक विहार मार्केट में, और आराम से पेलते हैं भाई, बहुत अच्छे स्नैक्स वहां पे मिलते हैं, बहुत अच्छे फूड आउटलेट्स हैं। सत्यवती कॉलेज कहां लाया करता है, ना नॉर्थ में लाया करता है ना साउथ में। मैं तुम्हें ज्योग्राफिकल, तुम्हें पता होना चाहिए भाई नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस ऑफ कैंपस कॉलेजेस लाए कैसे कर रहे हैं। मतलब नॉर्थ कैंपस मतलब नॉर्थ दिल्ली में जो कॉलेजेस लाए करते हैं, ऑफ कैंपस साउथ कैंपस मतलब साउथ कैंपस एक कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अराउंड मल्टीपल कॉलेजेस का एक ग्रुप है, जिसमें आर्यभट्टा, रामलाल आनंद, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस वहां पे लाए करते हैं। नॉर्थ कैंपस की जो क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस है वो काफी बेटर है। सिमिलरली कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, फिर नॉर्थ कैंपस की क्वालिटी, उसके बाद साउथ कैंपस की क्वालिटी, फिर ऑफ कैंपस कॉलेजेस आते हैं। जैसे सत्यवती कॉलेज ऑफ कैंपस कॉलेज है, कुछ कुछ लोग इसको बोलते हैं इट्स अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, इट डज नॉट लाई इन नॉर्थ कैंपस, ये नॉर्थ कैंपस के पास एक एरिया है उसमें लाया करता है। ऐसे तो यार भीमराव अंबेडकर भी आपके पास, डॉक्टर बी आर अंबेडकर कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, तुम बोल सकते हो वो भी नॉर्थ कैंपस में, क्योंकि वो तो नॉर्थ दिल्ली में लाया करता है। वो नॉर्थ दिल्ली में लाई नहीं करता, वो नॉर्थ दिल्ली में जरूर लाया करता है, बट वो नॉर्थ कैंपस में लाया नहीं करता। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो कॉलेज है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर कॉलेज, इट्स एन ऑफ कैंपस कॉलेज। सिमिलरली एक कॉलेज है महाराजा अग्रसेन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज डीयू के अंदर भी है, वो भी ऑफ कैंपस में लाया करता है। केशव महाविद्यालय कॉलेज है, केशव महाविद्यालय, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो केशव महाविद्यालय मैंने सर्च किया, ये कहाँ लाया करता है, इसकी लोकेशन देखो, इसकी लोकेशन है सैनिक विहार पीतमपुरा के अंदर, ये देखो पीतमपुरा के अंदर यहाँ पे लाया करता है। तो पीतमपुरा के अंदर जितने भी कॉलेजेस होंगे वो सारे ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं, आई एम श्योर तुम्हें बात समझ आ रही है। ये तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से मैंने आपको बाइफरकेट कर दिया, ताकि आपको समझ आए भाई नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस ऑफ कैंपस इसका मतलब क्या होता है। ये ज्योग्राफिकली बाइफरकेटेड है, नॉर्थ कैंपस मतलब नॉर्थ दिल्ली में जो लाए करते हैं, साउथ कैंपस का मतलब जो साउथ दिल्ली में लाए करते हैं, और साउथ दिल्ली के अंदर भी आपके पास एक चंक बना रखा है, एक एरिया बना रखा है, उसका साउथ कैंपस कॉलेजेस बोलते हैं। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं, जैसे आपको पता है लेडी श्रीराम, गार्गी कॉलेज, ये लाए तो साउथ कैंपस में करते हैं बट साउथ कैंपस से थोड़ा सा बाहर है। और कुछ कॉलेज जैसे केशव महाविद्यालय, SGND खालसा, एक तो है SGTB खालसा, एक है SGND खालसा, एक है माता सुंदरी। SGND क्या है, श्री गुरु नानक देव खालसा, विच इज ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस कोई कैंपस नहीं है, यही बात है, यही मैं आपको बात समझाना चाहता हूं। ऑफ कैंपस कुछ कैंपस नहीं है। आप देखो वो ऑफ कैंपस कोई कैंपस क्यों नहीं है, देखो मैं डायरेक्शन एक लेता हूं डायरेक्शन केशव महाविद्यालय की, एक देखो एक डायरेक्शन में लेता हूं केशव महाविद्यालय की, केशव महाविद्यालय कॉलेज है, एक कॉलेज है आपके पास डॉक्टर बी आर अंबेडकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है। फिर एक और डेस्टिनेशन ले लेते हैं केशव सत्यवती कॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा। देखो अब ये जो तुम्हें मैप दिख रहा है ना, ये ट्रू पिक्चराइजेशन है, ये मैंने डायरेक्शंस खोली। देखो केशव महाविद्यालय यहां लाया करता है, सत्यवती कॉलेज यहां लाया करता है, सिमिलरली आपका ये देखो बी आर अंबेडकर यहां लाया करता है। कहने के बाद इतनी सी है, ऑफ कैंपस का मतलब ये है उनका कोई कैंपस नहीं है। ऑफ कैंपस मतलब कैंपस से हटके, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस में है, साउथ कैंपस के कॉलेजेस साउथ कैंपस में है, ऑफ कैंपस कॉलेजेस किसी भी कैंपस में नहीं है, इसलिए उनको ऑफ कैंपस कॉलेजेस बोलते हैं। और एक और कॉलेज है, जैसे माता सुंदरी कॉलेज को एक और लिख लेते हैं। देखो माता सुंदरी कॉलेज,
माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, सिर्फ ओनली गर्ल्स कॉलेज है। देखो ये कितना दूर लाया करता है। अब देखो माता सुंदरी कॉलेज यहां लाया कर रहा है, ये देखो यहां लाया कर रहा है माता सुंदरी। एक और कॉलेज है SGND खालसा, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, ये भी कहीं और लाया करता है। ये देखो ये कहां लाया कर रहा है। कहने की बात नहीं है, ये जो पूरे के पूरे कॉलेजेस हैं ये बाइफरकेटेड हैं, इनका कोई कैंपस नहीं है, इसलिए इनको ऑफ कैंपस कॉलेज बोलते हैं। ये रहा केशव महाविद्यालय, ये रहा सत्यवती कॉलेज, SGND खालसा, माता सुंदरी, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब तुम बोलोगे नहीं सर देखो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री गुरु नानक देव खालसा और यहाँ पे माता सुंदरी, ये एक कैंपस ही तो बना रहे हैं मिला के। ये कैंपस नहीं बना रहे, इनका कोई भी नाम नहीं दे रखा कैंपस का, ये बहुत दूर दूर है। मैप पे भले ही बहुत पास लग रहे होंगे बट इनका डिस्टेंस काफी दूर दूर है एक दूसरे से, इसलिए ऑफ कैंपस कॉलेजेस वो हैं जो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में लाए नहीं करते, एज सिंपल एज दैट। अब नॉर्थ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस लाए करते हैं, साउथ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस लाए करते हैं, ऑफ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस लाए करते हैं, उसके बारे में बात करना हम शुरू कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक करें, सेशन का टारगेट है 5000 लाइक्स, 5000 लाइक सेशन का टारगेट है, आप सब कर सकते हैं। जिस जिसको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है एक बार कमेंट करके बताना और अपनी चॉइसेस बताना, कौन सा कॉलेज और कोर्स आप टारगेट कर रहे हो, कौन से कैंपस आपका टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट है नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, साउथ कैंपस के कॉलेजेस होने चाहिए। अब मैं आपके पास लिस्ट शेयर करना शुरू कर रहा हूं, एक बार बोल दो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबको समझ आ गया ज्योग्राफी पढ़नी नहीं आ रही मुझे सर, ज्योग्राफी नहीं पढ़नी आ रही, मतलब यार अब तो CVT चला गया इसमें कोई हेल्प नहीं हो सकती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ कैंपस, मैं आपको वही बता रहा हूं, जो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में लाए नहीं करते उनको ऑफ कैंपस कॉलेजेस बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपको लिस्ट देना शुरू कर रहा हूं, आर यू रेडी फॉर द लिस्ट, अब समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रेफरेंस लिस्ट आने से पहले, प्रेफरेंस शीट आने से पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए नॉर्थ कैंपस में कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस में कौन से कॉलेजेस हैं, साउथ कैंपस में कॉलेजेस कौन से हैं, ऑफ कैंपस में कॉलेजेस कौन से हैं। तो वो लिस्ट अगर जब तक तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक तुम अपनी प्रेफरेंस दे ही नहीं पाओगे CSS पोर्टल में। तो आज मैं आपके पास प्रेफरेंस लिस्ट लेके आ रहा हूं नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस की, कल साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस कॉलेजेस की बात करेंगे। प्रेफरेंस लिस्ट अब मैं आपके पास दिखाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट आई एम श्योर। ये देखो अब ये तुम्हें दिखना शुरू हुआ, एक बार मेरे को थम्स अप करके बताना। ये देखो ये तुम्हें दिखना शुरू हो गया, यस और नो जल्दी से एक बार बता दो भाई, दिखना शुरू हो गया यस और नो एक बार मेरे को जल्दी से बता दो। दिखना शुरू हो गया नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस दिखने शुरू हो गए, यस और नो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस मैंने आपको दिखाए, ये सारे नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस हैं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो यार, एक बार इनका सारे स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। ये जितने भी कॉलेजेस मैं आपको दिखा रहा हूं ये सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूं और बता रहा हूं कि इस पूरे के पूरे स्लाइड का मतलब क्या है। तो प्लीज ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। नॉर्थ कैंपस के अंदर आपके पास एक कॉलेज है, उसका नाम है दौलतराम कॉलेज। दौलतराम कॉलेज कोई तुम्हें कितना भी बोलता रहे ये एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। दौलतराम कॉलेज जिसके कॉलेज के आगे W लिखा होता है इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली गर्ल्स कॉलेज है। तो जितने भी बॉयज कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में ये कॉलेज कभी नहीं आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा हर एक कोर्स के हिसाब से कौन से कॉलेज में आपको प्रेफरेंस भरनी चाहिए, बट यहां पे दौलतराम कॉलेज W जब यहां पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये ओनली गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है जी। हंसराज कॉलेज कोवेड कॉलेज है, वर्ल्ड रिनाउंड कॉलेज है, काफी फेमस है। हंसराज कॉलेज नॉर्थ कैंपस के अंदर लाया करता है, आपका टारगेट होना चाहिए। हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज में हमेशा एक फाइट रहती है। जैसे यहाँ पे अगर बीकॉम ऑनर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करो, तो बीकॉम ऑनर्स के हिसाब से हंसराज इज बेटर देन हिंदू कॉलेज। बट यहीं आप मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स के पर्सपेक्टिव से बात करो तो हिंदू कॉलेज इज बेटर देन हंसराज कॉलेज। ये डिपेंड करता है कौन सा कोर्स आप टारगेट करने वाले हो,
उसके बेसिस पे मैं आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर पाऊंगा कि यार कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स आपको टारगेट करना चाहिए। जैसे हंसराज कॉलेज हिंदू कॉलेज, इसमें से हंसराज कॉलेज कॉमर्स कोर्सेज के लिए बेटर माना जाता है, हिंदू कॉलेज साइंस और ह्यूमैनिटीज कोर्सेज के लिए बेटर माना जाता है। आईपी कॉलेज फॉर वुमेन, अगेन इसमें बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है यार, यहाँ पे स्टूडेंट्स समझते हैं और उनको समझाया जाता है कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन तो सिविल लाइन्स में लाया करता है, वो नॉर्थ कैंपस का कॉलेज कैसे हुआ, बट इसकी रैंकिंग के हिसाब से, इसकी मार्केट वर्थ के हिसाब से, प्लेसमेंट्स के हिसाब से इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन की बहुत ज़्यादा वर्थ है और ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है जिसको तुम कंसिडर करके चल सकते हो, इसको तुम नॉर्थ कैंपस का कॉलेज ही कंसिडर करके चल सकते हो। ठीक है जी, आगे मूव ऑन करें, अभी तक सब क्रिस्टल क्लियर है। किरोड़ीमल कॉलेज और रामजस कॉलेज में बहुत ज़्यादा फाइट चलती है, कुछ लोग किरोड़ीमल में जाते हैं कुछ लोग रामजस में। मैं आपको बता दूं साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से रामजस कॉलेज हमेशा जीतता है, बट बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के पर्सपेक्टिव से किरोड़ीमल हमेशा जीतता है। मतलब बीकॉम का अगर कोर्स है तो किरोड़ीमल जाओ, अगर रामजस में तुम जा रहे हो तो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के जितने कोर्सेज हैं रामजस कॉलेज में डेफिनेटली बेटर हैं। और हिंदू हंसराज, मतलब ह्यूमैनिटीज़ पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बात बताऊं, ह्यूमैनिटीज़ पर्सपेक्टिव से हंसराज कॉलेज की रैंकिंग बहुत कम है, हिंदू कॉलेज किरोड़ीमल और रामजस की रैंकिंग टॉप नॉच है, सेंट स्टीफन से भी कभी कभी ऊपर हिंदू कॉलेज को रखा जाता है ह्यूमैनिटीज के बीए प्रोग्राम, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ऐसे ऐसे कोर्सेज के लिए। किरोड़ीमल कॉलेज, मिरांडा हाउस, रामजस, कोई कितनी भी खराब तुम्हें लिस्ट दे दे, कोई कितना ही कुछ भी बोल ले, ये लिस्ट कंफर्म्ड है, ये नॉर्थ कैंपस की कंफर्म्ड लिस्ट है, इसके अदरवाइज कोई लिस्ट मत देखना यार, प्लीज इस लिस्ट को ही फॉलो करना। नॉर्थ कैंपस के अंदर कोई तुम्हें बोलेगा सत्यवती नॉर्थ कैंपस में, कोई तुम्हें बोलेगा इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन तो नॉर्थ कैंपस में है ही नहीं, कोई तुम्हें बोलेगा मिरांडा हाउस नॉर्थ कैंपस में नहीं है, ये सारे नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस में लाया करते हैं। मैं वहां पे रहा हूं, मैंने देखा है, मैं तब से स्टूडेंट को गाइड करता हुआ आ रहा हूं, यही नॉर्थ कैंपस की फाइनल लिस्ट है, इसके ऊपर काफी पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहता है, बट दिस इज द फाइनल लिस्ट ऑफ नॉर्थ कैंपस। मिरांडा कॉलेज, मिरांडा हाउस लिखा हुआ कुछ नहीं है, बट ये भी यार डब्ल्यू कॉलेज है, मिरांडा हाउस सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन ओनली गर्ल्स कॉलेज है, जहां पर डब्ल्यू लिखा हुआ है वो सिर्फ ओनली गर्ल्स कॉलेज है। अच्छा, यहां पे मिरांडा हाउस के बराबर में डब्ल्यू नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ होना चाहिए था, ये भी सिर्फ ओनली गर्ल्स कॉलेज है, यहां पे मिरांडा हाउस भी ओनली गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, मैं आप सबके क्यू एन ए लूंगा जैसे ही मैं लिस्ट कंप्लीट करता हूं, समझाना खत्म करता हूं, एक बार मैं आप सबके क्यू एन ए लूंगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया कि दिल्ली कैंडिडेट, दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए कोई कोटा आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए कोई कोटा नहीं होता, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे उनके लिए एक समान है, बस रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है, जो दिल्ली का कोटा होता है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी में दिल्ली का कोटा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं चलता। ये मिथ है मार्केट के अंदर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को एडवांटेज दिया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को कोई भी एडवांटेज नहीं दिया जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली के रेजिडेंट जितने भी हैं उनको कोई एडवांटेज नहीं दिया जाता, अगर आपके पास रिजर्वेशन सिस्टम है तो आपको एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा। किरोड़ीमल कॉलेज, मिरांडा हाउस, रामजस कॉलेज, ये तीनों एड पार कॉलेजेस हैं जिसमें किरोड़ीमल और रामजस कॉलेज में काफी फाइट चलती है, जिसमें किरोड़ीमल और रामजस कॉलेज में काफी फाइट चलती है, और जब आपके पास ये दोनों ऑप्शन मिलने शुरू होंगे तो आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगी, क्योंकि अगर किसी को किरोड़ीमल मिलता है तो उसको रामजस में मिलता है, उसको मिरांडा हाउस में मिलता है, तो इन तीनों को ये फाइट करके चलते हैं। मिरांडा हाउस वही कॉलेज है जिसका NIRF रैंकिंग 1 है, ये वही कॉलेज है जिसकी NIRF रैंकिंग 1 है, तो आप इस कॉलेज को नोट करके चलना। जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं यार, सिर्फ ओनली गर्ल्स कॉलेज है, ये बॉयज इसमें अलाउड नहीं है। अच्छा, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इंडिया का वर्ल्ड रिनाउंड, इंडिया का नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज है, जिसमें केवल 2 कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, एक तो है बीकॉम ऑनर्स, एक तो इसमें आपको बीकॉम ऑनर्स देखने को मिल जाएगा, एक इसमें आपको बीकॉम ऑनर्स देखने को मिल जाएगा, एक इसमें आपको एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स देखने को मिल जाएगा। बहुत बड़ी मिथ है कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में फिजिक्स ऑनर्स होता है, मैथ्स ऑनर्स होता है, स्टैट्स ऑनर्स होता है, बीकॉम प्रोग्राम होता है, नहीं, सिर्फ 2 कोर्सेज होते हैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, एक बीकॉम प्रोग्राम, सॉरी सिर्फ 2 कोर्सेज होते हैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, एक बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स। बीकॉम प्रोग्राम, अच्छा आप बोलोगे सर बीकॉम प्रोग्राम किस किस में होता है, तो देखो दौलतराम में बीकॉम प्रोग्राम होता है, बीकॉम प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन से बना देता हूँ, यहाँ पे मैं बीकॉम प्रोग्राम के लिए ग्रीन से बना देता हूँ, इसमें बीकॉम प्रोग्राम है। हंसराज हिंदू में बीकॉम प्रोग्राम है ही नहीं, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में बीकॉम प्रोग्राम है, किरोड़ीमल में है, मिरांडा में है, रामजस में है, SGDB खालसा में है, बस बीकॉम प्रोग्राम साउथ कैंपस सॉरी नॉर्थ कैंपस के अंदर, नॉर्थ NC लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉर्थ कैंपस के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम के कॉलेजेस ये हैं। बीकॉम ऑनर्स के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछते हैं बीकॉम ऑनर्स के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, जिसमें दौलतराम, मिरांडा हाउस, सॉरी हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, IP, बीकॉम ऑनर्स सब में लाई करता है, सेंट स्टीवन में लाई नहीं करता, बस बाकी सब में बीकॉम ऑनर्स लाई करता है, सेंट स्टीवन में लाई नहीं करता। बीकॉम प्रोग्राम की लिस्ट मैंने आपको बता दी, सिर्फ दौलतराम,
इंद्रवस्ता कॉलेज, किरोड़ीमल, मिरांडा, रामजस कॉलेज और एचडीडीबी खालसा और सेंट स्टीवन में बीकॉम ऑनर्स नहीं है, बाकी सब में आपके पास बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा। हर एक कोर्स वाइज प्रेफरेंस शीट में मैं आपके पास लेके आऊंगा कि मान लो किसी को फिजिक्स ऑनर्स करना है तो उसकी क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, वो मैं बहुत जल्दी आपके पास लेके आ रहा हूँगा। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की लिस्ट ये मैं आपके पास लेके आया हूँ, जिसमें मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में आपको बता रहा था। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर सिर्फ दो कोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स। मैं आप सबकी लाइव चैट पढ़ पा रहा हूँ, डू नॉट वरी, मैं इसको देखूंगा और रिप्लाई कर रहा। फिर हम आ जाते हैं एचडीबी खालसा, काफी रिनाउंड है बट सैड रियलिटी इतनी सी है नॉर्थ कैंपस के अंदर। पहले बात तो इसकी अच्छाइयां कर लेता हूँ, पहले एचडीबी खालसा किस लिए फेमस है, सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है, गर्ल्स हॉस्टल है इसके अंदर, कोएड कॉलेज है, मतलब बॉयज भी जा सकते हैं गर्ल्स भी जा सकती हैं। एचडीडीबी खालसा कॉलेज जो है तीन सिख माइनॉरिटी कॉलेज हैं, एज फार एज आई रिमेंबर डीयू के अंदर तीन सिख माइनॉरिटी कॉलेज हैं, एक तो एचडीडीबी खालसा जो नॉर्थ कैंपस में लाया करता है, बाकी दोनों ऑफ कैंपस कॉलेजेस, बाकी दोनों जो सिख माइनॉरिटी कॉलेज हैं, नहीं एक और है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। नॉर्थ कैंपस में सिर्फ एक सिख माइनॉरिटी का कॉलेज लाया करता है, उसको बोलते हैं एसजीटीबी खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज लाया करता है नॉर्थ कैंपस में। एक ऑफ कैंपस में है, इसका भाई बोलते हैं इसको एसजीएनडी, सिर्फ बोलने को भाई बोलते हैं इसको, इसकी फुल फॉर्म क्या है, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, सिर्फ बोलने को भाई बोलते हैं। रियलिटी में इन दोनों कॉलेजेस की रैंकिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज बहुत बेटर है, एसजीएनडी खालसा और एक माता सुंदरी कॉलेज है जिसमें मैं गर्ल्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा जाने के लिए, ये सिर्फ ओनली वुमेन कॉलेज है, ओनली गर्ल्स कॉलेज है। तो यहां पे नॉर्थ कैंपस, यहाँ पे जो नॉर्थ कैंपस के अंदर है वो एचडीबी खालसा है, एसजीएनडी खालसा है, माता सुंदरी है और एक और कॉलेज होता है, इसको बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये पीतमपुरा में लाया करता है। इसकी रैंकिंग बीकॉम ऑनर्स के लिए टॉप फाइव टॉप थ्री में आती है, मेरा गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में फोर्थ कट ऑफ में हो गया था, बट देन आई स्विच टू नॉर्थ कैंपस, मैं नॉर्थ कैंपस आ गया था क्योंकि मेरे को लगा कि नॉर्थ कैंपस की वाइब बेटर है, वरना रैंकिंग वाइज रामजस कॉलेज से बेटर श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। वो नॉर्थ कैंपस में लाई नहीं करता, बट मैं आपको बता देता हूँ, इट डज नॉट लाई इन नॉर्थ कैंपस, वो ऑफ कैंपस कॉलेज है, वो एक ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं, बट बाकी ऑफ कैंपस कॉलेजेस के मुकाबले काफी रिनाउंड है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कॉलेज के अंदर ही कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम है, जैसे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम नहीं है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की स्पेशलाइजेशन होगी। सिमिलरली श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स मतलब कॉमर्स के सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन होगी। फिर यहाँ पे साउथ कैंपस पे अभी मूव ऑन नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्थ कैंपस पे ही रहेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है, यहाँ पे सिख कोटा चलता है, 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर सिख माइनॉरिटी। एचडीबी खालसा नॉर्थ कैंपस में लाया करता है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है इसकी। हाउएवर अगर तुम रैंक करो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में तो दौलतराम कॉलेज और एचडीबी खालसा को लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, बाकी सबको इससे ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। सेंट स्टीफन्स कॉलेज का मुकाबला एसआरसीसी से है, सेंट स्टीफन्स कॉलेज एसआरसीसी मुकाबला है इसका, मतलब सेंट स्टीफन्स कॉलेज का कोई मुकाबला नहीं है, ये कहने के बाद इसी है। सेंट स्टीफन्स कॉलेज बहुत रेनाउंड है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का ये कॉलेज है, इसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कोटा भी चलता है, जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनका यहाँ पे कोटा चलेगा सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेस के अंदर। ध्यान से समझना, सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेस के अंदर जिसका सिख रिजर्वेशन है उसका कोटा चलता है। सेंट स्टीफन्स कॉलेज एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है तो यहाँ पे क्रिश्चियन का कोटा चलता है, तो अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हो तो आपको यहाँ पे कोटा लग जाएगा और आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। सेंट स्टीफन्स कॉलेज वर्ल्ड रेनाउंड है, इससे बढ़िया कोई कॉलेज नहीं है, एसआरसीसी में ड्रॉप करने के लिए रेडी हूं अगर मेरे को सेंट स्टीफन एडमिशन मिल जाए, बट सेंट स्टीफन्स में थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, बाकी सब अवेलेबल है, इंग्लिश ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स। सेंट स्टीफन्स का एक अलग से वेबसाइट है, प्लीज उसको जाके चेक करो। देखो टू बी ऑनेस्ट, हर एक कॉलेज की, यहां से लेकर यहां तक हर एक कॉलेज की अपनी अलग अलग वेबसाइट है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी तुम अपनी प्रेफरेंस खुद बनाओ, तुम अपने कल्चर फिट के हिसाब से, तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, तुम्हें कौन सा कॉलेज पसंद है, कौन सा कॉलेज का तुमने नाम सुना है अपने भैया भाभी बहन से, मुझसे सुना हुआ है, हर एक कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक करो, उनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट जाके चेक करो, क्योंकि अल्टीमेटली कॉलेज को कंपेयर करने में ये सब चीजें मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, किसकी सोसाइटीज कौन सी ज्यादा एक्टिव है, कौन सी ज्यादा बेटर है, कौन से कैंपस इसका बेटर है, किसके कैंपस में कितनी सोसाइटीज, कितनी उसमें स्पोर्ट्स गेम जीते हुए हैं, कितनी वर्ल्ड रेनाउंड सोसाइटीज कौन से कॉलेज में लाई करती है, किस कॉलेज के अंदर डाइवर्सिटी फैक्टर ज्यादा है। जैसे अगर आप डाइवर्सिटी के परसेप्शन से बात करो तो यहाँ पे दो कॉलेजेस हैं, एक तो है रामजस कॉलेज और एक है सेंट स्टीफन्स कॉलेज, डाइवर्सिटी के परसपेक्टिव से नंबर वन है। रामजस कॉलेज में ओवर 18+ कोर्सेज होते हैं, 5000 से ज्यादा बच्चे रामजस कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से इनमें से सारे कॉलेजेस मिला के रामजस कॉलेज में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी फैक्टर उसमें बढ़ जाएगा। सेंट स्टीफन्स कॉलेज की बात अगर करें तो इसमें भी अप्रॉक्सिमेटली 9-10 कोर्सेज हमें देखने को मिल जाते हैं। सेंट स्टीफन्स कॉलेज में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है, इंटरव्यू बेसिस पर एडमिशन होता है, अभी तक तो हुआ करता था,
मेरे को नहीं पता इन फ्यूचर क्या होगा, बट सेंट स्टीवेंस का आज तक एडमिशन क्लास 12 के मार्क्स प्लस आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है उसके बेसिस पर हुआ करता है। तो सेंट स्टीवेंस और रामजस को हम डाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से काफी हाई रैंक कर सकते हैं। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स सबसे मैक्सिमम प्लेसमेंट्स इन सब कॉलेजेस में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और सेंट स्टीफन देते हैं। सबसे लीस्ट प्लेसमेंट्स दौलतराम कॉलेज और एचडीडीबी खालसा देते हैं। किरोडीमल कॉलेज स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसे कुछ इनसाइट्स मैं आपके पास ड्यूरिंग द टाइम लेके आऊंगा जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, बट यहां पे जो मैं आपके पास लिस्ट लेके आया हूं इस लिस्ट को एक बार आप नोट कर लो। इस नॉर्थ कैंपस की लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा जैसे ही सेशन खत्म होगा। इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट, सारे सेशन को लाइक करना और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना। ये सेम लिस्ट मैं आपके पास टेलीग्राम ग्रुप पे भी लेके आ रहा हूंगा। अब नेक्स्ट मैं बात करने वाला था साउथ कैंपस के कॉलेजेस की, बट आज वो दिन नहीं है। हम साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस की कल बात करेंगे। एक आयरनी बता देता हूं, एक फैक्ट एक और बता देता हूं। जैसे मॉर्निंग कॉलेजेस होते हैं वैसे इवनिंग कॉलेजेस भी होते हैं, ध्यान समझना मेरी बात। जैसे मॉर्निंग कॉलेजेस होते हैं वैसे इवनिंग कॉलेजेस भी होते हैं। जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में क्या डिफरेंस है, मॉर्निंग कॉलेजेस आर ऑलवेज बेटर देन इवनिंग कॉलेजेस। जैसे एक कॉलेज है मोतीलाल नेहरू कॉलेज, तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज एक तो डे कॉलेज होगा और एक मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज होगा। मतलब दिन में भी वो एक कॉलेज चलता है, रात को भी एक, शाम के टाइम भी वो एक कॉलेज चलता है। दो अलग अलग कॉलेजेस हैं ये मैं समझना, दोनों का नाम तो मोतीलाल है, एक है मोतीलाल डे एक है मोतीलाल इवनिंग। नॉर्थ कैंपस के अंदर कोई भी इवनिंग कॉलेज नहीं है। जैसे ये नहीं बोल सकते तुम किरोडीमल मॉर्निंग किरोडीमल इवनिंग। नॉर्थ कैंपस के अंदर सिर्फ रेगुलर कॉलेजेस हैं, डे कॉलेजेस हैं। इवनिंग में किसी भी कॉलेज की क्लास अगर लगती भी है तो वो रेगुलर में माना जाता है। नॉर्थ कैंपस के अंदर सारे डे कॉलेजेस हैं, इवनिंग कॉलेजेस कोई भी नहीं है। जो इवनिंग कॉलेजेस हैं वो साउथ कैंपस में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आर्यभट्टा इवनिंग कॉलेज, जैसे मोतीलाल इवनिंग कॉलेज, जैसे रामलाल आनंद इवनिंग कॉलेज। तो इवनिंग कॉलेजेस जितने भी हैं वो आपको कहां मिलने शुरू होते हैं, वो आपको दिखने शुरू होंगे साउथ कैंपस के अंदर। साउथ कैंपस की लिस्ट मैं आपके पास कल 12 बजे लेके आऊंगा। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं हर रोज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में छोटी छोटी चीजें आपके पास लेके आ रहा हूं, ताकि आपको बाद में झटका ना लगे कि यार समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्योंकि अब जब CSES पोर्टल खुलेगा ये राइट टाइम है मेरे को तुम्हें बताने का कि कौन सा प्रोसेस अच्छा है। मेरे को ये राइट टाइम है बताने का कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन से कॉलेजेस लाए करते हैं, क्योंकि अगर अभी समझ लोगे तो तुम उसके ऊपर रिवाइज कर सकते हो, होमवर्क कर सकते हो, अपना खुद का दिमाग लगा सकते हो, rather than blindfold करके तुम blindly मेरे को फॉलो कर लो कि यार ये जो भैया बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं तो अपनी तरफ से तुम्हें बेस्ट गाइड करूंगा, बट तुम्हारा काम है अगर मैंने आज नॉर्थ कैंपस की, ध्यान से समझो, तुम्हारा काम है अगर मैंने आज ये नॉर्थ कैंपस की पूरी लिस्ट दी है आपको, टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर देता हूं, इसको एक बार एनालाइज करना, इसकी वेबसाइट पे जाना, देखना इसमें से रैंक वाइज कौन सा बेटर है, कौन सा कोर्स कौन से रैंक में आता है। मान लो यहाँ पे मिरांडा हाउस साइंस कोर्सेज के लिए ज्यादा फेमस है, ह्यूमैनिटीज कोर्सेज के लिए इतना फेमस नहीं है। हिंदू कॉलेज ह्यूमैनिटीज कोर्सेज के लिए और साइंस कोर्सेज के लिए ज्यादा फेमस है। तो जो कोर्स आप टारगेट कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी जो रैंक्स है वो भी चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस पहले पता तो हूं हमें है कौन से। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस अगर पता ही नहीं तो यार बात कैसे बनेगी ये बताओ। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस पहले पता होंगे कौन से, फिर तुम उसको एनालाइज करोगे, फिर एक रैंक बनाने खुद की शुरू कर पाओगे। कल हम बात करने वाले हैं साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस कॉलेजेस की। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, तुम अपने चैट्स अब डालने शुरू कर सकते हो, मैं उनका रिप्लाई देना शुरू कर रहा हूं। अब अपनी क्वेरीज डालनी शुरू करो, मैं उनका रिप्लाई देना शुरू कर रहा हूं। नॉर्थ कैंपस की लिस्ट मैंने आपको दे दी, साउथ कैंपस ऑफ कैंपस की लिस्ट कल 12 बजे मिलेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, वहां पे इसकी स्क्रीनशॉट मैं आपके पास डाल दूंगा और जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मैं कब कब लाइव आ रहा हूं वो सारी चीज आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब बताओ भाई बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बारे में बताइए, क्या बताना है? ऐसे मत पूछो यार, बताइए। बताने को तो मैं बोलता रहूंगा। आप स्पेसिफिक सवाल पूछें पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से। सेंट स्टीफन हिंदू कॉलेज आपका टारगेट होना चाहिए, अगर वो नहीं भी मिल रहा तो साउथ कैंपस ऑफ कैंपस जाने की कोशिश करो। नॉर्थ कैंपस के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं वो रामजस है, किरोडीमल है, सेंट स्टीफन है, हिंदू कॉलेज है, जिसमें आपकी प्रेफरेंस सेंट स्टीफन, हिंदू, रामजस और किरोडीमल इस प्रकार से होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से। हर एक कोर्स के अंदर जो कॉलेजेस लाइक कर रहे हैं उनकी प्रेफरेंस अलग है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार सर हिंदू कॉलेज तो अभी आप बोल रहे तो ह्यूमैनिटीज के लिए रिनाउंड है, अरे हिंदू कॉलेज से बेटर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए हिंदू कॉलेज से बेटर सेंट स्टीफन है, तो यार उस हिसाब से हम उसको तो रैंक ऊपर करेंगे ना। पर अगर आप कल को मेरे को बोलो कि सर आप तो बोल रहे थे किरोडीमल बेटर है रामजस से, किसी पर्टिकुलर कोर्स की बात मैं कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की जहां तक बात है रामजस को मैं ऊपर प्लेस करने वाला हूं किरोडीमल से। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ क्या होगी, देखो यार मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, कट ऑफ के बारे में अभी पूछ के या उसके बारे में डिस्कशन करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इस बार कंप्लीटली सिस्टम चेंज हो चुका है। मैं क्लास 12 की कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कट ऑफ हुआ करती थी उसके बारे में तो बात कर सकता हूं, बट नाउ सिंस द होल एडमिशन प्रोसेस इज रिवैम्प्ड, बट नाउ हर चीज CUET के स्कोर्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। तो पहली बात तो हमें यह जानने की जरूरत है किस कोर्स पे, मतलब किस स्कोर पे क्या परसेंटाइल बनने वाली है।
कितनी परसेंटाइल जरूरी होगी। अब ये कट ऑफ वगैरह मत पूछा करो, ये पूछा करो कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, नॉर्थ कैंपस की जहां तक बात है ना, 95 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी वालों के लिए खास तौर से, 95 परसेंटाइल ओवरऑल, 96 परसेंटाइल ओवरऑल से अगर आप प्लस लेके आ रहे हो, अगर आप उससे ऊपर स्कोर लेके आ रहे हो तभी फायदा है, अदरवाइज फायदा ही नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, फंस जाओगे कहीं ना कहीं, आपको धक्का लगेगा और आप कहोगे सर मेरे को तो नॉर्थ कैंपस टच ही नहीं हो रहा, मेरे को तो किसी भी कोर्स में नॉर्थ कैंपस नहीं मिल रहा। तो 95-96 परसेंटाइल से ऊपर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो साउथ कैंपस कॉलेजेस की जनरल कैटेगरी की जहां तक बात है। अब देखो यार, मैं आपको बताऊं फ्रेंकली, 90-91 परसेंटाइल से लेकर 96 परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तो साउथ कैंपस के कॉलेजेस कंफर्म्ड है कोई भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो। बट यही बात रहती है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए, थोड़ी कट ऑफ फॉल होने वाली है। ओबीसी की जनरल से थोड़ी कम जाती है, ईडब्ल्यूएस की जनरल से थोड़ी कम जाती है, एससी एसटी की तो बहुत कम जाती है। तो वो डिपेंड करेगा जब आपकी परसेंटाइल्स आ जाएंगी। ये एक रफ एस्टिमेट है, इसको तुम ऑन फेस मत लेना कि भैया ऐसे बोल रहे हैं ये तो होने ही वाला है, ऐसा जरूरी नहीं है। 400 आउट ऑफ 800 ऑफ कैंपस मिल जाएगा, रिया यस कंफर्म मिल जाएगा। बट यहां पे क्वेश्चन ये रहता है क्या ऑफ कैंपस में जाना बनता है, क्वेश्चन तो यहां पे ही आ जाता है क्या ऑफ कैंपस में जाना बनता है। मैं तुम्हें एक और फैक्ट बात बताता हूं, मैंने क्या बताया नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस के नाम तुम्हें बताया, नॉर्थ कैंपस में इवनिंग कॉलेजेस नहीं होते। और एक और बड़ा, एक और बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूं, नॉर्थ कैंपस में मान लो आज मैंने तुम्हें 10 कॉलेजेस बताए, दौलतराम, हंसराज हिंदू, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, 4 ही हो गए, किरोड़ीमल 5, मिरांडा, रामजस, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एचडी बिखालसा, सेंट स्टीफन्स, 10 कॉलेजेस मैंने तुम्हें नॉर्थ कैंपस के बताए। अब ये 10 कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस में, इसका मतलब ये नहीं कि साउथ कैंपस में भी 10 कॉलेजेस हैं। साउथ कैंपस में अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 कॉलेजेस हैं, ऑफ कैंपस में 25 से 30 नहीं, उसमें भी कम से कम 30 से 35 कॉलेजेस हैं। तो नॉर्थ कैंपस की लिस्ट देख के घबरा मत जाना, हाय सर इतना कम मतलब आएंगे कैसे, हम हमारा एडमिशन होगा कैसे, सिर्फ नॉर्थ कैंपस में तो 10 कॉलेजेस हैं। ये फैक्ट है, नॉर्थ कैंपस में जाने के लिए कंपटीशन सबसे हाईएस्ट होने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस भी कम है, कट ऑफ ज्यादा जाती है, लोगों की प्रेफरेंस हमेशा वो रहती है कि हमें नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस मिल जाए किसी तरह। तो ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि डू नॉट वरी कि भाई 10 कॉलेजेस तुम्हें नॉर्थ कैंपस में दिख रहे हैं और कॉलेजेस आपको ऑफ कैंपस और साउथ कैंपस में दिखेंगे। साउथ कैंपस में नॉर्थ कैंपस से थोड़े से ज्यादा कॉलेजेस हैं, ऑफ कैंपस में साउथ कैंपस से भी बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं। तो कॉलेजेस की कमी नहीं है, 400 आउट ऑफ 800 भी अगर आप बोल रहे हो डिसेंट स्कोर है, जुड़ जाएगा, डिसेंट स्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहीद सुखदेव तो सर ऑफ कैंपस है लेकिन वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। ये कुछ एक्सेप्शन है, देखो यार ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज, टू बी ऑनेस्ट बीएमएस, बीबीई और बीबीएफआईए, ये तीन जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो पहले डीयूजेड के थ्रू जिनके अंदर एडमिशन हुआ करता था, उनकी मैं कॉलेज रैंकिंग की इस समय बात कर भी नहीं रहा हूं। मैं आपको अगर बताऊं ढंग से तो मैं उनके कॉलेज रैंकिंग्स की बात कर भी नहीं रहा हूं क्योंकि उनकी कॉलेज रैंकिंग्स कैंपस के हिसाब से नहीं चलती। जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो रेगुलर कोर्सेज की है, प्रोफेशनल कोर्सेज की नहीं है। प्रोफेशनल कोर्सेज की रैंकिंग उस हिसाब से नहीं चलती जिस हिसाब से आप सोच रहे हो। तो उसमें तो यार दीनदयाल उपाध्याय केशव महाविद्यालय, ये बहुत बढ़िया कॉलेजेस है बट सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। अब जैसे शहीद सुखदेव का आपने एग्जांपल लिया, यक्ष डेफिनेटली शहीद सुखदेव इज एन ऑफ कैंपस कॉलेज, वो नॉर्थ कैंपस में भी नहीं है, साउथ कैंपस में नहीं है, बट वो बीएमएस में नंबर वन कॉलेज, एशिया का नंबर वन बीएमएस कॉलेज है शहीद सुखदेव, नंबर वन या नंबर टू। तो ये जो मैं कोर्सेज के, ये जो मैं आपकी कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, ये रेगुलर कोर्सेज के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए नहीं है। अब जैसे इसमें बीटेक नहीं आया, तो बीटेक के अंदर क्या होता है, सीआईसी होता है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। बीटेक के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज ही एक है, बीटेक के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज ही एक है, उसको भी बोलते हैं सीआईसी बीटेक। एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा ये देख के, क्योंकि ये जितनी भी बातें तुम्हें बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, आपको काफी मजा आएगा। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, ये देखो यहाँ पे मैं टाइप करो CIC BTech DU कट ऑफ करके बहुत ज़्यादा लोगों ने सर्च किया हुआ है। यहाँ पे देखो अब ये CIC जो मैं टाइप कर रहा हूँ ना, ये जो मैं CIC टाइप कर रहा हूँ, अब क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, इसके अगर तुम सीट्स देख लो तुम हैरान हो जाओगे। ये यहाँ पे हम क्यों जाएं, admission.uod.ac.in के ऊपर जब तुम जाओगे, पहले तो देख लेते हैं कोई नोटिस तो नहीं आया, हमेशा नोटिस पे चेक रखा करो, देखो लास्ट नोटिस यही है। यहाँ पे यूजी एडमिशन पे जाओ और यहाँ पे कोर्सेज को देखो, यहाँ पे देखो यूजी एडमिशन पे गए तो एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स देखनी है हमें। ये देखो ये आ गया बैचलर ऑफ साइंस बीटेक, बीटेक पे जैसे क्लिक करोगे सिर्फ एक ही है, बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीटेक होती है वो ये होती है, बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। इसके अंदर सीट्स देख सकते हो तुम, ये कॉम्पिटिशन देख रहे हो क्या है, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी की 20 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी की 7 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी की 4 हैं, ओबीसी की 14 है और ईडब्ल्यूएस की 5 है। तो इतना टफ कंपटीशन तुम कैसे फेस करोगे मुझे नहीं पता।
उसका बीटेक दिल्ली यूनिवर्सिटी के परस्पेक्टिव से बिल्कुल नो है, कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सीट रिजर्व करवा लो, अच्छा ऑप्शन नहीं है इतना। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रेडी श्री नाम में है क्या, देखना पड़ेगा एक बार। आपको हर एक कोर्स के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रोशर में मिल जाएंगे। वो एडमिशन ब्रोशर में जैसे ही लाइव सेशन खत्म होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे सारे मेरे को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 650 प्लस आउट ऑफ 800 डिसेंट चांसेस है, कौन सी कैटेगरी है ये तो बताओ। अरे कैटेगरी जब तक नहीं बताओगे, तुम्हें पता ना कोटा चलता है भाई, रिजर्वेशन सिस्टम चलता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। तुमने अपना स्कोर बता दिया, कोटा ही नहीं बताया तो कैसे चलेगा। और नॉर्थ कैंपस में कौन सा कोर्स तुम टारगेट कर रहे हो ये तो बताओ। सर सेंट जेवियर्स बीएमएस वर्सेस नॉर्थ कैंपस बीकॉम फ्रॉम नॉर्थ कैंपस एक्सेप्ट एसआरसीसी। सुजीत अगेन वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि देखो यार सुजीत अगर आप बोलो सेंट जेवियर्स कोलकाता बीएमएस डेफिनेटली अ वेरी वेरी सेफ ऑप्शन है, वेरी एलिगेंट अ डिसेंट ऑप्शन टू रिजर्व योर सीट, रखने की जरूरत है तुम्हें। बट नॉर्थ कैंपस बीकॉम प्रोग्राम, क्योंकि आपने ऑनर्स लिखा नहीं तो मैं प्रोग्राम अज्यूम कर रहा हूँ फ्रॉम नॉर्थ कैंपस एक्सेप्ट एसआरसीसी। एसआरसीसी में तो मेरे भाई बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम वैसे ही नहीं होती। बीकॉम प्रोग्राम में बेस्ट कॉलेजेस आपको किरोडीमल और रामजस मिलेंगे, मेरे ख्याल से नॉर्थ कैंपस बेटर है। नॉर्थ कैंपस किरोडीमल और रामजस बीकॉम प्रोग्राम में बेटर है देन गोइंग टू जेवियर्स कोलकाता फॉर बीएमएस। अगेन यार जेवियर्स की वाइब कुछ और है और नॉर्थ कैंपस के रामजस किरोडीमल की वाइब कुछ और है, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। मतलब वाइब मतलब बहुत एनवायरमेंट में काफी डिफरेंस है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा तुम क्या सीख कर रहे हो लाइफ के अंदर, तुम्हारी ग्रेजुएशन किस तरह से होनी चाहिए। बीबीए नॉर्थ कैंपस में नहीं होती। एचडीटीपी खालसा में बीबीई होती है, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पूर्वेश अग्रवाल, वरना बीबीए नॉर्थ कैंपस में नहीं होती। और बीबीए को दिल्ली यूनिवर्सिटी के परस्पेक्टिव से बोला जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के परस्पेक्टिव से बीबीए को बोला जाता है बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बात एक ही है, कोर्स करिकुलम ऑलमोस्ट सेम है, बट नाम यहां पे स्विच करते हैं, नाम चेंज करते हैं। फिजिक्स ऑनर्स प्रायोरिटी प्लीज। देखो सबसे पहले आप सबको ये समझने की जरूरत है, समझो फ्लो हम कैसे लेकर चल रहे हैं, किस तरह से मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। कोर्स वाइज प्रेफरेंस शीट देखने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि नॉर्थ कैंपस में कौन से कॉलेजेस हैं, ऑफ कैंपस में कौन से कॉलेजेस हैं, साउथ कैंपस में कौन से कॉलेजेस हैं। उसकी लिस्ट में एक एक दिन करके, क्योंकि हम लेट नहीं है, हमने बिल्कुल राइट टाइम पे स्टार्ट किया है, एक एक दिन करके मैं तुम्हारे पास हर एक कैंपस के अंदर कौन से कॉलेजेस लाए करते हैं उसकी लिस्ट लेके आऊंगा। फिर मैं हर एक कोर्स के अंदर, मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो कौन कौन से कॉलेजेस पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स देते हैं, बीए प्रोग्राम है तो कौन कौन से कॉलेजेस बीए प्रोग्राम ऑफर करते हैं, बीकॉम प्रोग्राम है कौन कौन से कॉलेजेस बीकॉम प्रोग्राम ऑफर करते हैं, वो लिस्ट लाने के बाद मैं आपको प्रेफरेंस शीट दूंगा कि भाई मान लो कोई फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा है तो उसकी क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। ये अभी 10 से 12 दिन है इस चीज को होने में, उसका वेट करो, अभी सिर्फ समझो मैं जिस फ्लो में लेके जा रहा हूं उसमें करो आप। तान्या कपूर 880 आउट ऑफ 1000 फॉर साउथ कैंपस शॉर्ट शॉर्ट कन्वर्ट, डेफिनेटली एडमिशन होगा 85%। पहली बात तो एमडी अरमान आपके कितने परसेंट है, आपके कितने मार्क्स है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि आपकी सीयूईटी के अंदर परसेंटाइल क्या होने वाली है। सीयूईटी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके स्कोर मैटर नहीं करेंगे, परसेंटाइल आपके कॉम्पिटिटर्स ने, आपके कलीग्स ने किस प्रकार से आपको बीट करा या आपने उनको बीट करा, यह मैटर करने वाला है। तो स्कोर या परसेंटेज के ऊपर बात मत करो, मुझे पता आप ये आपके पास परसेंटाइल आपकी नहीं आई है, आप एक तुक्का इन द एयर एक फ्लूक मार रहे हो कि यार इतने परसेंट अगर मेरे आगे तो नॉर्थ कैंपस में मिल जाएगा। भैया मेरे क्या चांसेस है, मैं आपको बताता हूँ हर एक बच्चे का एडमिशन होगा, बट आपको पेशेंस मेंटेन करके रखनी है और काउंसलिंग में वैसे एक्ट करना है जैसे मैं आपको बताऊंगा। अगर आप काउंसलिंग में वैसे एक्ट करोगे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपका काम डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। साउथ कैंपस टॉप 3 आर्ट्स कॉलेजेस, लेडी श्री राम, जीएस एंड मेरी कॉलेज एंड श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। सर कोर्स वाइज प्रेफरेंस शीट बता दो, कोर्स वाइज प्रेफरेंस शीट आने में अभी टाइम है। बीएमएस स्कोर जनरल कैटेगरी, बीएमएस स्कोर तो आउट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए आपको बस बीएमएस स्कोर देखो 8 से 9, मेरे ख्याल से 9 से 10 कॉलेजेस हैं बीएमएस के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके अंदर टॉप 5 में जाने का ही फायदा है। उसके अंदर भी अगर आप टॉप 5 के परस्पेक्टिव से बात करो तो जनरल टेस्ट आपका 300 मार्क्स का था, डोमेन और वो मिला के 400 हो गए, क्योंकि एक लैंग्वेज जुड़ेगी, एक मैथमेटिक्स जुड़ेगा और एक जनरल टेस्ट जुड़ेगा, तो 300 और 400 700 मार्क्स का आपका ये बीएमएस का पेपर मानते हैं हम। इसमें से अगर 650 प्लस हैं तो वेरी डिसेंट स्कोर, 600 प्लस हैं तो इट्स अ डिसेंट स्कोर, आपका होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 720 आउट ऑफ 800 नॉर्थ कैंपस कन्फर्म है, साउथ कैंपस तो होगा ही, नॉर्थ कैंपस भी कन्फर्म होगा। सर सीयूईटी में ईडब्ल्यूएस फिल नहीं किया, क्या मैं डीयू कर सकता हूँ, कैटेगरी चेंज करने का मौका दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सर मैंने पीसीबी से क्लास 12 किया है और कॉमर्स के सब्जेक्ट का पेपर दिया है तो ना 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 डीयू में तो गए भाई आप। अनुष्का सिंह आप डीयू में नहीं एलिजिबल हो, डीयू की पॉलिसी है जिस
जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12 में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स में आपको CUET देना है। बीकॉम के सब्जेक्ट्स आपने क्यों दिए मैं तो हैरान हूं, किसने पढ़ाया आपको, किसने समझाया आपको, किसने आपको गलत गाइडेंस दी, मैं बहुत अफसोस मना रहा हूं। आप अब जुड़े रहो मेरे साथ, जो भी आपने दिया है मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं ना कहीं उसमें जुगाड़ करके, मान लो आपने जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दिया है और एक कोई भी ऐसा डोमेन दिया जो आपका क्लास 12 का डोमेन था तो बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम आप टच कर सकते हो। बट अगर आपने पीसीबी में से कोई भी नहीं दिया तो फंस जाओगे, या मान लो आपका फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 में दिया और फिजिकल एजुकेशन भी दे दिया अगर आपने, तब भी आपका बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम में हो सकता है अगर आपने लैंग्वेज जनरल टेस्ट और एक डोमेन दे दिया, क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसमें होने के बुरे बुरे चांसेस हैं। सर स्पोर्ट्स कोटा की एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है आयुष, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ गोकुल निवास यार हमारी एक पेड मेंबरशिप है, आप भी ले सकते हो, उससे होता क्या है हाईलाइट होने लग जाते हैं, ज्यादा महंगी नहीं है, कोई भी ले सकता है, बहुत सस्ती है, 29, 39, 59 इस प्रकार से मेंबरशिप होती है यूट्यूब की। ज्वाइन का बटन आ रहा होगा जैसे ही गोकुल छाबड़ा नीचे चैनल देखोगे ना, उसके सब्सक्राइब बटन के बराबर में ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आता है, उसको आप मेंबरशिप ज्वाइन करो। तो क्या होता है मेरे को ऐसे दिखने शुरू हो जाता है नेम, जैसे ईशान रसोगी, इज इट वर्थ फॉर अ स्टूडेंट हु हैज ऑलरेडी स्टडीड फर्स्ट इन टीयर टू और टीयर थ्री कॉलेज टू टेक अ ड्रॉप इफ वी गेट सम गुड डियर कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स। ईशान इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू बी ऑनेस्ट, ये डिपेंड करेगा अल्टीमेटली आपको मिल क्या रहा है। और अगेन फर्स्ट ईयर अगर आपने टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज में बिता दिया, टू बी ऑनेस्ट मैं उन काउंसलर्स में से या उन गाइड में से नहीं हूं जो हवा में बात छोड़ दी, हाँ कर लो शिफ्ट कर लो, इट इज ऑलरेडी वर्थ। अरे यार बताना पड़ेगा आपको ईशान कौन से कॉलेज से आप आ रहे हो, बताना पड़ेगा कौन से कॉलेज में आपको डीयू का कॉलेज मिला है। डीयू का कॉलेज मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, इतने सब्जेक्टिविटी है ना उसके अंदर, दुनिया को लगता है कि भाई सारे डीयू के कॉलेज बढ़िया हैं, सारे बढ़िया नहीं है, इनसाइड स्टोरीज आपको पता होनी चाहिए। और मैं एक ऐसा रोड मैप आपके लिए लेके आ सकता हूं जिसमें हम बैलेंस कर सकते हैं कि आप जो फर्स्ट ईयर टीयर टू या टीयर थ्री कॉलेज में बिता के आए हो उससे बेटर है डीयू में जाना है उससे वर्स है, ये तो यार एक बार प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास जब कॉलेजेस दोनों श्योर नहीं है, एटलीस्ट टीयर टू या टीयर थ्री कॉलेज का नाम बताओ, थोड़ा सा मैं एस्टीमेट लगा सकता हूं। फिर सर LSR बीकॉम ऑनर्स वेरी गुड ऑसम, बहुत बढ़िया, आपको मिल जाना चाहिए, मैंने मिनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपको मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया। सर बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, ये तो यार देखो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आपको, यहां जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन की साइट पे जाओ, admission.eod.ac.in, उसके अंदर जैसे मैंने बीटेक का ये कोर्स ढूंढा ना, यूजी पे जाना, यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स पे जाना, यहाँ पे थोड़ा नीचे आना, हर एक कोर्स का जैसे यहाँ आप बोल रहे हो मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज म्यूजिक प्रोग्राम बैचलर ऑफ वोकेशनल हो गया, बीटेक हो गया, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन मेरे ख्याल से आर्ट्स में आएगा, हाँ आर्ट्स में आएगा। यहाँ पे देखो बैचलर ऑफ ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन सिर्फ एक कॉलेज ऑफर होता है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, जिसमें सीट्स इस प्रकार से आपको दिखने लग जाएंगी। अब जैसे किसी को जानना है कि सर पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, देखो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में क्लिक करना, अच्छा एरर आ गया यहाँ पे, तो पॉलिटिकल साइंस के इन्होंने अपडेट नहीं कर रखा, सोशियोलॉजी में क्लिक करो तो सोशियोलॉजी के सारे कॉलेजेस उनकी क्या क्या सीट्स हैं, किस किस सीट्स में आपको एडमिशन मिलने वाला है, मिरांडा उसके अंदर कितनी सीट्स हैं, लेडी शनाब के अंदर कितनी सीट्स हैं, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में, मैत्री कॉलेज में, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में कौन कौन सी सीट्स हैं, वो सारी आपको दिख जाएंगी। जहां पे डब्ल्यू लिखा हुआ है वो मतलब सिर्फ वुमेन कॉलेजेस हैं। अब देखो यहाँ वेंकटेश्वर और हिंदू सिर्फ सोशियोलॉजी ऑनर्स, कोई मेल कैंडिडेट अगर टारगेट करना चाह रहे तो सिर्फ हिंदू और वेंकटेश्वर कॉलेज उसके लिए अवेलेबल है, बाकी सारे वुमेन कॉलेजेस हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे जाओ, देखो यूजी एडमिशन पे गए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स पे गए, यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया, करते रहो यहाँ पे देखो सारे कोर्सेज आने शुरू होंगे। मान लो बीकॉम प्रोग्राम आप सर्च करना चाहते हो, बीकॉम पे गया, बैचलर ऑफ कॉमर्स पे दो ही कोर्सेज होते हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम पे मैं गया, अब बीकॉम प्रोग्राम में कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, इन्होंने मेरिट भी बता रखी है आपकी मेरिट कैसे कैलकुलेट होगी, और ये देखो कितने टोटल कॉलेजेस हैं, टोटल कॉलेजेस हमारे पास 44 हैं जो ऑफर करते हैं बीकॉम प्रोग्राम, इसमें से कुछ कॉलेजेस होंगे जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेजेस होंगे, जैसे ये कमला नेहरू, लक्ष्मीबाई कॉलेज, मैत्री, माता सुंदरी, यहाँ पे जानकी देवी, जीजस एंड मैरी, गार्गी कॉलेज, ये सारे ओनली गर्ल्स कॉलेजेस हैं, मेल कैंडिडेट इन पे ट्राई ना करें। तो 44 कॉलेजेस बीकॉम प्रोग्राम ऑफर करते हैं, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी विद द सीट एलोकेशन कि कौन सी कितनी सीट मैट्रिक्स, कितनी सीट्स किस कॉलेजेस में अवेलेबल है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जरूर जाकर चेकआउट करना, आपको काफी हेल्प होने वाली है, admission.uod.ac.in काफी हेल्प होने वाली है इसके थ्रू। ठीक है, आपकी जितनी भी रिमेनिंग क्वेरीज है एक बार मेरे को डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, जो भी रिमेनिंग सेट ऑफ क्वेरीज होंगी उसके बारे में मैं जल्दी लाइव सेशन ले रहा हूं, कमेंट करके बता देना कौन सा कोर्स आप टारगेट कर रहे हो, कौन सा कॉलेज आपका टारगेट है, कौन सा कैंपस आपका टारगेट है, आप कितनी परसेंटेज एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। लास्ट फाइव क्वेरीज ले लेते हैं। ठीक है, पीएम सर मैं EWS में फिल करता हूं, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल भर दिया था, मेरे ख्याल से काउंसलिंग चेंज करने का, कैटेगरी चेंज करने का आपको मौका दिया जाएगा टू बी ऑनेस्ट, अभी
एक ऐसा नोटिफिकेशन आना बाकी है, मुझे ऐसा लगता है नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आएगा और सीएसए जो सीयूईटी का एडमिशन लॉग इन पोर्टल है उन सीयूईटी की तरफ से भी, एनटी की तरफ से भी आएगा कि आप कैसे कैटेगरी अपनी चेंज कर सकते हो। डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, आपके पास आ रहा होगा, बहुत जल्दी आ रहा होगा। तो जब तक रिजर्वेशन चेंज नहीं हो सकती तब तक तो आपको, देखो यार टू बी ऑनेस्ट, जब तक आप अपनी रिजर्वेशन चेंज नहीं कर पाओगे तब तक आपको उसी पोर्टल उसी रिजर्वेशन या उसी कैटेगरी से एडमिशन लेना पड़ेगा जो आपने सीयूईटी में भरा। मान लो आपने जनरल में भर दिया और सीयूईटी या एनटीए किस कारण से बोलता है कि आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, तो आपको सीएसएएस पोर्टल भी जनरल से ही भरना पड़ेगा, मिसमैच नहीं होना चाहिए। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले प्लीज, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, बहुत जल्दी हम 55,000 मेंबर्स टेलीग्राम ग्रुप पे होने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे कब को मैं लाइव आता हूँ वो सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। 400 आउट ऑफ 700 बीएमएसएससी पूरे पूरे चांसेस है शॉर्ट शॉर्ट कन्वर्ट होगा। हाउ टू चेंज कैटेगरी फ्रॉम ईडब्ल्यूएस टू जनरल, दिया कुमार मैं आपको वही बता रहा हूँ, इट इज नॉट श्योर कि आप अपनी कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर एनटी आपको मौका देगा वही कैटेगरी जो आपने सीयूईटी पोर्टल में डाली है वही कैटेगरी जनरल कैटेगरी या वही कैटेगरी सीएसएएस पोर्टल में डालना। अगर आपने मान लो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सीयूईटी के पोर्टल में डाली हुई है और यहां पे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो वो मिसमैच हो जाएगा, आपका फॉर्म आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा जी, ऐसा मत करना। अगर आपको कैटेगरी चेंज करने का मौका दिया जा रहा है तभी आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। इज देयर एनी कॉलेज विच ऑफर इकॉनॉमिक्स विदाउट मैथ्स? कोई कॉलेज नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कॉलेज नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी जितना मेरे को याद आ रहा है दोनों कॉलेजेस नहीं है। सर इस बार तो नहीं दें प्लीज, मतलब सर ग्लिच की वजह से मेरा अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन आ गए जबकि मैंने कोर मैथ्स फिल किया था। वो तो आयुष आपकी खुद की गलती है, उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जो भी आप मैथमेटिक्स का पेपर देके आए हो वो अप्लाइड मैथ्स के क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन पेपर के अंदर थे और कोर मैथ्स के क्वेश्चन भी, आपने सेक्शन रॉन्ग चूज किया, बस ये प्रॉब्लम हो गई आपसे। 680 आउट ऑफ, देखो यार ये आपके साथ नहीं हुआ आयुष, ये मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, तो बी रेस्ट अश्योर्ड आप अकेले नहीं हो मेरे भाई, तू अकेला नहीं है। आयुष आपका कोई ना कोई हेल्प आएगा, कोई ना कोई रिजॉर्ट निकलेगा, एनटीएस का रिजॉर्ट आपके पास निकालेगी, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। और इस बात से निश्चिंत रहना कि यार हे भगवान मेरा एडमिशन तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ या तो आपके अप्लाइड मैथ्स के स्कोर एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, एनटीए कुछ ना कुछ का सोल्यूशन निकालेगी आपके पास। बीबीए का बता दो सर, बीबीए कॉलेज मतलब, अच्छा बीएमएस का पूछ रहे हो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर? बीएमएस के कॉलेजेस का लिस्ट मैं अलग से आपके पास डेफिनेटली लेके आऊंगा, नॉन कैंपस के रेगुलर कॉलेजेस की हमने बात करी। SRCC बीकॉम ऑनर्स जनरल कैटेगरी के लिए कितना चाहिए ये पूछ रहे हो सर? सर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी बीआर अंबेडकर कॉलेज डिफरेंट, यस देखो अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है और जो बीआर अंबेडकर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है दोनों अलग अलग है, क्योंकि बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी तो सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही है, बीआर अंबेडकर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में वो अलग है और इन दोनों की रैंकिंग ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बीए इंग्लिश हिंदू कॉलेज बहुत मुश्किल चांसेस हैं। अदोनिस 500 आउट ऑफ 100 नॉट अ वेरी गुड स्कोर फॉर इंग्लिश ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी हिंदू कॉलेज में मुझे बहुत चांसेस कम लग रहे हैं। ओबीसी एनसीएल का कास्ट सर्टिफिकेट बनने में 10-15 टाइम लगने वाला है करण, डू नॉट वरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिर्फ एक इंटीमेशन ही तो दिया है कि 31 अगस्त तक आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रख लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सीएसएस पोर्टल अभी खुलने जाएगा जी, मतलब अभी खुल गया 31 अगस्त हो गया हमारा सीएसएस पोर्टल खुल गया, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या 10 सितंबर तक खुले, तो बी रेस्ट अश्योर्ड आपको घबराना नहीं है। देखो पैनिक मोड में मत आओ, पैनिक मोड में सिर्फ आपका एडवांटेज उठाया जाएगा बाकी यूट्यूबर्स बाकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स द्वारा, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो समझो। 31 अगस्त तक ट्राई करो, आप अपने सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो, तब भी कलेक्ट नहीं हो पा रहे तो आपके पास जरूरी नहीं है कि 1 सितंबर को आपका सीएसएस पोर्टल खुल जाएगा, अभी तो सीयूईटी का रिजल्ट आना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल खुलना है, सीएसएस पोर्टल खुलना है, प्रेफरेंस शीट बननी है, बहुत कुछ होना है, तो आप निश्चिंत रहो आप लेट नहीं हो, बट अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप बिल्कुल टाइम पे हो। पीडब्ल्यूडी 575 प्लस बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स शॉर्ट शॉर्ट कन्वर्टर नॉर्थ कैंपस अभिनीश बी रेस्ट शॉर्ट, एससी के साथ 550 प्लस शॉर्ट शॉर्ट कन्वर्टर नॉर्थ कैंपस कोई भी कोर्स आप बोलो मतलब आराम से मिलेगा भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगी आ जा भाई आ जा। एसटी कैटेगरी कौन सा कॉलेज बेस्ट है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स 750 आउट ऑफ 1100, ये डिपेंड करेगा पहली बात तो 800 में से आपका स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, एक लैंग्वेज एक मैथमेटिक्स दो डोमेन होगा, तो मतलब 800 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला, तो मेरे को आप 1100 के तो मिरांग स्वराग्रे तो आप 1100 से क्यों बोल रहे हो मेरे को मार्क्स, आप 1100 के मार्क्स मत बताओ, आप 800 में से कितने आ रहे हैं वो बताओ इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पर्सपेक्टिव से, तब मैं बता पाऊंगा। जो सर जो अनरिजर्व सीट्स होती हैं वो जनरल कैटेगरी के अलावा भी किसी को मिल सकती है? नहीं, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी को मिलती है। कुणाल बंसल सर बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम सेंट स्टीवन्स कोलकाता नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ कैंपस डेफिनेटली, बट एचडीबी खासा से बेटर नहीं है, रामदास खिरोड़ी में मिल जाता है या हिंदू हंसराज मिल जाता है, तो प्रैक्टिकल नर्स सेंट जेवियर्स कोलकाता को ड्रॉप करना बनता है, बट अगर नॉर्थ कैंपस के अंदर सिर्फ एचडीबी खासा मिल रहा है तो सेंट जेवियर्स कोलकाता ड्रॉप करना नहीं बनता। और
अगर आपको वेंकटेश्वरा मिल जाता है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज साउथ का नंबर वन कॉलेज है, उसमें भी अगर आपको बी कॉम ऑनर्स मिल रही है तो वेल एंड गुड, सेंट जेवियर्स कोलकाता छोड़ सकते हो आप। ठीक है, आपकी जितनी भी रिमेनिंग डाउट्स हैं, आई एम श्योर बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको मैं जल्दी सॉल्व कर रहा, कमेंट करके बता देना जो नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ। आई होप द सेशन वॉज हेल्पफुल, ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मुलाकात होगी। एक घंटे का सेशन खुल गया, इस सेशन को हम और आगे बढ़ाएंगे, डेढ़ डेढ़ दो दो पौने दो घंटे के सेशन चलने वाले हैं आगे, आपको मजा आ जाएगा। बहुत सारी इनसाइट्स, बहुत सारी प्रेडिक्शंस, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मैं देने वाला हूं, जिसके अकॉर्डिंग आपको आगे चलना है, प्लान ऑफ एक्शन अपना मेंटेन करके रखना है। सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक करो, 5000 लाइक्स टारगेट है, आप करके जाना कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस के लिए साउथ कैंपस वेरी गुड ऑप्शन, श्री वेंकटेश्वरा बहुत अच्छा है, श्री वेंकटेश्वरा ऑसम कॉलेज है साउथ कैंपस में। लेडी श्रीराम इज नंबर वन, विक्की कुमार, वेंकटेश्वरा डीसीएसी पॉलिटिकल साइंस के लिए काफी रिनाउंड है, साउथ कैंपस कॉलेज डिसेंट है जी। बाकी क्वेरीज मैं नेक्स्ट टाइम सेशन में लूंगा, कमेंट करके बताना जो भी तुम्हें क्वेरीज है, मैं जल्दी से एक वीडियो या जो भी आपका क्वेरीज है वो मैं लेके आ रहा हूँ। दयाल सिंह कॉलेज में से रामजस इज डेफिनेटली बेटर, भावेश कुमार सिंह पॉलिटिकल साइंस में रामजस विंस, रामजस जी जाता जी। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।